मोस्ट वेलकम है आप सभी का आज के इस सेशन में, और आपके जितने भी डाउट्स हैं उन पर हम आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं। आप एक एक कर हैंड रेज करेंगे, ठीक है, हम आपके सवाल का जवाब देंगे। यहाँ पर रोहित का गुड इवनिंग भैया, बिल्कुल गुड इवनिंग है भाई। चलिए मैं जितने भी साथी हैं उन सभी के लिए यहाँ पर एडमिट कर लेते हैं जितने डाउट्स थे। देखिए बहुत ज़्यादा कल इसी टाइम आप सभी को पता है कि आपका रिजल्ट आया था, और सबको रिप्लाई करना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल काम था। किसी को बुरा लगा हो तो उसके लिए पहले से ही सॉरी हमने फील किया हुआ है, क्योंकि एक समय पर इतने रिप्लाई करना थोड़ा सा मुश्किल था हमारे लिए, ठीक है। और लगभग 11 से 11:30 बजे तक मैंने रिप्लाई करने की पूरी कोशिश की थी, बट अब यहाँ पर आपके जितने डाउट्स होंगे हम कोशिश करेंगे कि आपके खुद लाइव ही मैं आपसे डाउट्स ले लूँगा, ठीक है। तो आप सब भी अपना हैंड रेज करेंगे, और जो जो ऐड ऑन होते जाएंगे मैं परमिशन आपको देता जाऊँगा। सीमा रानी बात सबसे पहले, इन्होंने हैंड रेज किया है तो हम इन्हीं से जान लेते हैं कि सबसे पहले जी बताइए क्या डाउट है। जी देखिए, अगर आपकी रैंक 5000 है, ये मोस्टली कॉमन एक सवाल होगा दोस्तों आप सभी का कि मोस्टली के मेरा एडमिशन होगा या नहीं होगा। तो मैं सिंपली आपको 1 वर्ड से 2 वर्ड में इसको समरी करना चाहूँगा कि देखिए, अगर हम बात करें एडमिशन की तो प्रिडिक्शन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इसके लिए अगर मैं आपको प्रिडिक्शन को खुद बताऊं तो मान लीजिए फॉर एग्जांपल के लिए मेरी रैंक नंबर 1 है, मेरा एडमिशन हो जाएगा, लेकिन मैं एडमिशन लेना ही नहीं चाहता दिल्ली डाइट में, तो रैंक नंबर 2 का एडमिशन होगा या नहीं होगा? आप बोलोगे सर बिल्कुल होगा। तो एडमिशन के लिए अगर मैं आपसे बोलूँ कि आपकी रैंक 2000 है, एडमिशन नहीं होगा, तो ऐसा कहना बिल्कुल गलत है। जैसे आपकी रैंक 5000 है तो गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग, अगर रूल के अकॉर्डिंग हर बच्चा एडमिशन लेता है तो एडमिशन मुश्किल होगा आपका 5000 पर गवर्नमेंट डाइट में। लेकिन अगर हम वहीं बात करें आपकी प्राइवेट में, आपके लिए एडमिशन के चांसेस बहुत ज़्यादा बन जाएंगे। लेकिन सारी चीज़ें वही है, बीच में बच्चे स्कीप कर देते हैं एडमिशन को। ऐसा रेयरली केसेस होते हैं जिनके डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर नहीं होते हैं, और छोटी छोटी चीज़, हर एक चीज़ मैच की जाती है जब आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होते हैं। तो गवर्नमेंट का अगर आपका सवाल है इतनी रैंक पर तो पॉसिबल नहीं है, प्राइवेट के लिए आप जा सकते हैं। बाकी ओवरऑल फर्स्ट लिस्ट जो आपकी आएगी उस पर सारी चीज़ें डिपेंड करेंगी आपकी, ठीक है। इसके अलावा कोई सवाल है आपका तो और आप स्पीक कर सकते हैं, अदरवाइज़ हम किसी और को चांस देते हैं। तो देखिए अभी आपके पास चांस है 2 दिन का एडिटिंग का, आप उसको एडिट कर 9 जो गवर्नमेंट डाइट है हमारी उनको आप क्या करिए, आप उनमें जाकर अप्लाई करा दीजिए, ठीक है, और प्राइवेट भी। उसके बाद आपको चांसेस नहीं मिलेगा, इस चीज़ का ध्यान रखिए आप। मोस्ट वेलकम। नेक्स्ट स्पीकर, नेक्स्ट स्पीकर हैंड जो है वो है रोहित। रोहित अपना सवाल पूछिए। ओके ओके, इफ़ यू आर गेटिंग योर रैंक मोर देन 5000, इट डिपेंड ऑन द ऑल कट ऑफ एंड द मेरिट लिस्ट। 789, सो मोस्ट प्रोबेबली यू विल गेट द एडमिशन। देर इज़ मैनी चांस टू गेट एडमिशन अकॉर्डिंग टू एज योर रैंक यू हैव मेंशन। एज पर ऑफिशियल प्रोस्पेक्टस ऑफ दिल्ली DLED यू कांट अप्लाई, बट मैनी यूट्यूबर आर सेइंग दैट यू कैन अप्लाई एंड मोस्टली पीपल डू दैट। So it is depend on you, what do you do? So, I have another question that they would not be a class like I'm giving the sole examination.
यू कैन स्कीप योर SOL एग्जाम, अदरवाइज माइट बी योर सेकेंड सेमेस्टर वुड बी क्लैश, बिकॉज इन द DLED देयर विल बी अ फाइनल एग्जाम इन द मंथ ऑफ मे एंड जून, एंड यू ऑल्सो नो दैट SOL विल ऑल्सो कंडक्ट द एग्जाम सेम मंथ, सो इट माइट बी क्लैश इन द मे जून, बट फर्स्ट सेमेस्टर यू कैन डू. नेक्स्ट मोनिका. देखो मोस्टली ये कॉमन सवाल है, इस सभी का अगर आप जानना चाहते हो तो इसका सवाल यही है, सभी इसके रैंक का ज़्यादा वेट करिए, ठीक है. इसको प्रेडिक्ट करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट टास्क है, जैसे मैंने आपको बताया है. इससे पहले जब मेरिट बेस पर भी होते तब भी इसको डिफ़िकल्टी माना जाता था इस टास्क को, इसलिए जब वैसे आपकी रैंक अगर, जैसे मैंने मॉर्निंग में भी वीडियो बनाया था कि 1000 से 3000 के बीच में भी आपकी, वैसे 1000 से 1500 मैं मान के चल रहा हूँ, उसमें आपके जनरल कैटेगरी वालों के लिए एडमिशन के चांसेस ज़्यादा हैं, जिनकी ओवरऑल को मैंने इसलिए कंक्लूड कर लिया था कि उसमें SC भी होगा ST भी होगा, तो ये मान के चलिए कि 1040 सीटें ओवरऑल की मैं बात कर रहा हूँ, तो जिनकी 3000 तक है उनके एडमिशन के चांसेस बन सकते हैं, नॉट श्योर. नेक्स्ट हाँ, चांसेस हैं, अगर कुछ कैंडिडेट जो हैं डॉक्यूमेंट्स की वजह से स्कीप हो जाते हैं तो रिज़र्व में जो हैं ज़्यादा तक भी चांस बन जाते हैं, जैसे आपका रिजर्वेशन है, ठीक है. बट बाकी फिर भी आपकी रैंक जो है अकॉर्डिंग टू, अगर सीट के कंपैरिजन में देखा जाए तो मैं यही कहूँगा कि ज़्यादा है, लेकिन फिर भी अंडर 1000 है, तो हम मान सकते हैं कि पॉसिबिलिटी है, लेकिन मुझे जो लगता है ज़्यादा पॉसिबिलिटी नहीं कहूँगा, क्योंकि आई थिंक 60 से 70 सीटें हैं SC ST के लिए भी, तो अगर जनरल में प्रमोट अगर वो कंसीडर कर देते हैं तो सीटें काफ़ी वो हो जाती हैं, ठीक है. तो चांसेस बनेंगे, बाकी प्राइवेट में आपका चांसेस ज़्यादा रहेगा. जी उमा जी, हाँ जी बोलिए उमा. हाँ जी नेक्स्ट स्पीकर महिमा. यस सर. जी सर, बोली. मेरी रैंक 5392 आया है और OBC कैटेगरी से के हिसाब से मेरा 1335 है, तो मेरा एडमिशन हो सकता है कि नहीं? देखिए आपकी वैसे रैंक जो है सीट्स के अकॉर्डिंग OBC की लगभग 250 प्लस सीटें हैं, उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो मैंने ये मान के चला है कि जिनकी 1000 में है, एक्स्ट्रा ही लेकर मैं बता रहा हूँ, तो मे बी आपका संभावित है, लेकिन प्राइवेट में ज़्यादा चांसेस हैं आपके, अगर कोई बच्चा स्कीप करता है तब. हाँ एडमिशन अगर आपने नहीं लिया तो एडमिशन तो कैंसिल ही होगा. हाँ तो OBC का सर्टिफिकेट नहीं बनेगा तो आप एडमिशन ही नहीं ले पाओगे. सिर्फ मेरे फादर का बना हुआ है. फादर का नॉट वैलिड है ना, पहले ही बताया था एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते टाइम, ठीक है, कैंडिडेट के नाम का वैलिड होगा. जी नेक्स्ट स्नेहा शर्मा. सर एक मिनट नंबर से आ जाइए, हैंड रेज कर दीजिए ताकि जिन्होंने हैंड रेज किया हुआ है उनका नंबर आता रहे. तानिया नेक्स्ट स्पीकर. तानिया राजपूत. गुड इवनिंग सर. गुड इवनिंग सर. मैंने ना सरकारी के 4 कॉलेज करे हैं सिलेक्ट, तो जैसा कि आपने बोला था कि और सिलेक्ट कर सकते हैं, तो कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं? प्लीज आप अपना माइक म्यूट कर लें जो भी कैंडिडेट अगर वो करते हैं. दोबारा रिपीट करिए तानिया जी अपना क्वेश्चन.
तो जैसे कि आपने कहा था कि और सिलेक्ट कर सकते हैं हम 2 तारीख तक, तो फिर उसे और सिलेक्ट करने के लिए क्या करना होगा? आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए, ऑफिशियल वेबसाइट पे लॉगिन होकर आपको 2 जुलाई तक का टाइम है, आप अपनी चॉइस को एडिट कर सकते हो। और सभी कैंडिडेट जिन्होंने ऑलरेडी किया हुआ है, एक बार जाकर सभी अपने डैशबोर्ड को चेक कर लो कि क्या आपने अपनी जो चॉइस फिल की है उनको लॉक्ड किया है या नहीं किया। अगर आपने लॉक्ड नहीं किया है तो आप एडमिशन नहीं ले पाओगे, आपका नाम नहीं आएगा। ये सभी के लिए है स्पेशली। सर मैंने 4 कॉलेज लॉक्ड कर रखे हैं, तो और मैं गवर्नमेंट करूं या फिर प्राइवेट कर सकती हूं? ये आपकी चॉइस है, हम इसमें अपना पर्सनल व्यूज मैं किसी को नहीं देता हूँ, ठीक है? वो आपको देखना है कि आपके, क्योंकि आपके अपने पर्सनल भी वो हो सकते हैं। अब ये मान लीजिए आप घूमर नेहरा जाना चाह रहे हैं, आप सादरा नहीं जाना चाहते, ठीक है? तो ये सारा डिपेंड करता है कि कौन सी आपकी पर्सनल सिचुएशन है, आपके पेरेंट्स परमिशन देते हैं या नहीं देते हैं, ठीक है? नेक्स्ट जय जय राय। ओके ओके, कोई नहीं जी, बताइए अपना सवाल पूछिए। हाँ, प्राइवेट पे आपका हो सकता है, प्राइवेट में ज़्यादा रैंक तक हो जाता है। हाँ, प्राइवेट में आपका हो जाएगा। हाँ, प्राइवेट में मोस्टली बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, इसलिए आपका हो जाएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल है, बोला तो मैंने। वो सब डिपेंड करता है, अगर मैं आज से, हर बार वैसे चेंज होता है प्रोस्पेक्टस में, वैसे मेंशन भी है लेकिन कभी कभी इंस्टीट्यूट कर देते हैं। तो देखिए, सबसे पहले प्राइवेट में क्या होती है, आपकी सिक्योरिटी फीस जमा होती है, ठीक है? वो हो सकती है आपकी 5 से 7 हज़ार रुपये। उसके बाद अगर हम बात करें अदर जो फीस है, वो क्वार्टरली, सबसे मेन चीज़ तो क्वार्टरली ही इसमें जमा होती है, यानी क्वार्टरली का मतलब है 3 महीने की फ़ीस जमा होती है। और 3 महीने की फ़ीस की अगर मैं ऑन एवरेज, वेरी कर सकता है, वेरी का मतलब है अलग अलग हो सकती है, तो लगभग ये मान के चलिए कि 15 हज़ार फीस आपकी होगी होगी क्वार्टरली की। और बाकी आपको जिस इंस्टीट्यूट में आएगा उस इंस्टीट्यूट की प्रोफाइलिंग, यानी कि वहाँ से आप पता कर सकते हो। हाँ, जो प्रेडिक्शन हम कर रहे हैं ऑलमोस्ट सही कर रहे हैं। अब मैं इसीलिए सबको ही बोल रहा हूँ कि प्रेडिक्शन सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है। दैट्स माय आंसर आपके लिए भी। मोस्ट वेलकम। नेक्स्ट आइए जया अग्रवाल। गुड इवनिंग। ठीक है। हाँ, प्राइवेट में आपके चांसेस हैं। ये डिपेंड करता है वैसे आपके ऊपर, अभी आपके पास 2 जुलाई तक का टाइम है जिसमें आप एडिटिंग कर सकते हो, तो एक बार ये चीज़ आप डैशबोर्ड में जाके देख लीजिएगा। मोस्ट वेलकम। नेक्स्ट स्नेहा शर्मा, फटाफट से पूछते जाइए जी। आपका प्राइवेट में ज़्यादा वो है चांसेस, गवर्नमेंट में तो मैं यही बोलूँगा 10 से 20% आपका चांसेस रहेगा, क्योंकि रैंक आपकी ज़्यादा है। बाकी आपका किस्मत ने साथ दिया, कोई नहीं ले पाए तो स्पोर्ट राउंड में आप देख लीजिएगा। प्राइवेट में ही चांस हैं आपके, क्योंकि प्राइवेट में हर बच्चा नहीं लेता है एडमिशन, ठीक है? नेक्स्ट तानिया का हो गया था ऑलरेडी, सार्थिका जी। सर वेटेज देखनी होती है या फिर वो जो रैंक लिखा है वो देखना होता
आप दोनों को कंसीडर करेंगे अभी। जी नेक्स्ट स्पीकर बोलें प्लीज। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। आई एम सातिका। आई एम हैविंग अ क्वेश्चन दैट सर, आई सिक्योर्ड अ 938 रैंक फ्रॉम जनरल कैटेगरी, विल आई बी एबल टू गेट गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट? एट द 938 देयर इज द 465 सीट्स। इट मींस इफ यू वांट गवर्नमेंट डाइट देन यू कैन गो एट द लास्ट लिस्ट ऑफ द शेड्यूल। माइट वी माइट भी आपका नाम जो है वो लास्ट लिस्ट में आ सकता है, लेकिन पक्का नहीं है। नेक्स्ट स्पीकर। जी हाँ जी नमस्ते जी। हाँ जी ओके। हाँ गवर्नमेंट में आपका बहुत चांसेस बन सकता है, लेकिन 50-50 रहेगा। हाँ हाँ घूमने एरड आई टी आपके पास में है, प्राइवेट में बाबा हरिदास पास में पड़ेगा। तो क्या हुआ भाई, स्कूल से करिए ना। अब आप मास्टर बनोगे? अच्छे में तो मेरे अकॉर्डिंग तो डाइट राजेंद्र नगर है, डाइट आपका मोतीबाग है, डाइट आपका दरियागंज है, डाइट आपका आरकेपुरम है। वैसे गवर्नमेंट की सारी बढ़िया है। घूमन हेरा में इस समय आई थिंक शायद राजेश सर प्रिंसिपल हैं, तो सभी डाइट में जो है काफ़ी वेल क्वालिफाइड हैं। बस डिपेंड करता है थोड़ा सा एरिया को ले लिया है, इसलिए हम थोड़ा सा ये कह देते हैं ये ज़्यादा बेस्ट है। ठीक है, जैसे कॉलेज की अगर हम बात करें DU की, तो कैंपस को क्यों पसंद कर लेते हैं कि कैंपस थोड़ा सा ठीक है, एनवायरनमेंट ये है, आउट ऑफ कैंपस में थोड़ा सा बच्चे को एक्सपोजर नहीं मिल पाता, दैट्स इट। बाकी ओवरऑल ठीक ही होते हैं। जी नाम बताएं अपना। जी जी बोलिए। हाँ तो कहना क्या चाहते हो? प्रदीप मेमोरियल। प्रदीप मेमोरियल तो आई थिंक ये प्रेम नगर में है। हाँ ये तो इग्नू उसका IP का BEd भी कराता है। हाँ स्कूल कॉलेज एक साथ है, अच्छा है। आप करना चाहें प्राइवेट में अगर हैं तो बहुत अच्छा है कॉलेज। ऐसे बहुत सारे हैं, LC ऑफ पहले एजुकेशन है, बहुत सारे हैं आउटर दिल्ली में। हाँ जी बोलिए। जो आपको सही लगता है आप अपनी पसंद से भरिए। ठीक है आपको, अब जैसे आपने बोला सर मेरे को घूमन एरा चाहिए, आप घूमन एरा फर्स्ट पे भर दो। डिप्लोमा सेम ही मिलेगा, SCRT में ही पेपर होगा। ठीक है सर, जैसे मैंने भर दिए 4-5। ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, इस इधर से आउटर से भी इतना द्वारका बकरवाला से कोई ज़्यादा दूर थोड़ी पड़ता है। वो आपको आपका वेबसाइट पे आएगा। ठीक है तब पता लगेगा। नहीं नहीं, एक बार आया नाम उसमें एडमिशन कराना पड़ेगा आपको, फिर मे बी फ्रीज सीट नहीं करते हो तो आपके लिए इस बार देखना होगा आगे का फर्दर। फ्रीज नहीं करते हो सीट तो आगे राउंड के लिए पार्टिसिपेट कर सकते हो बस। हाँ हेलो सर। हाँ जी बोलिए। सर मैं ना जनरल कैटेगरी से हूँ और मेरी बेटी
ओवरऑल रैंक कितनी है? ओवरऑल है 4503। गवर्नमेंट में थोड़ा सा फाइट करना पड़ेगा, लक ने साथ दिया तभी हो सकता है, अदरवाइज प्राइवेट में ही चांसेस हैं। अरे एसी में इंक्लूड है, उसमें चॉइस फिल करनी है सिर्फ। फीस स्ट्रक्चर अलग अलग होता है, बस गवर्नमेंट से ज़्यादा होगा। सर जो मेरिट लिस्ट निकलेगा उसमें मतलब प्राइवेट में या गवर्नमेंट में दोनों में से किसी एक में मेरा नाम आएगा? हाँ किसी एक में आएगा। मोस्ट वेलकम। नेक्स्ट अंकित, अंकित साहू। जी अंकित बोलिए। आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ पा रही है। हेलो, हाँ बोलिए। प्राइवेट में ज़्यादा चांसेस हैं, गवर्नमेंट ने लगने साथ दिया तो आपका हो जाएगा, ठीक है। हेलो सर, नेक्स्ट बताइए। हेलो सर जी, हाँ प्राइवेट में ही चांसेस हैं आपके। जी नेक्स्ट बोलिए। काजल। सर मेरा रैंक 8996 है और एचटी इट इज 172 है, तो कौन से कॉलेज होगा गवर्नमेंट में? गवर्नमेंट में आपके चांसेस बन सकते हैं लेकिन प्राइवेट के ज़्यादा हैं। गवर्नमेंट में आपका बन सकता है, आई थिंक 100 समथिंग बताया आपने, ठीक है जो है तो बन सकता है आपका। हेलो सर, हेलो बेटा, एक बार क्वेश्चन पूछ लिया, औरों को भी चांस मिलते हैं, फिर पूछिएगा लास्ट में, ठीक है जी। हाँ बोलो सर, मेरा एक फ्रेंड है रोहित नाम है, उसका रैंक बना है सर 7100 के करीब और वेटेज रैंक दिखा रही है सर 569 सर, उसका क्या प्राइवेट आएगा गवर्नमेंट एससी कैटेगरी? एससी से है तो रैंक कुछ ज़्यादा खास नहीं है, एससी की सीटें भी तो कम है। एक बार मॉर्निंग में वीडियो बनाया था उसमें, तो उसके अकॉर्डिंग प्राइवेट में ज़्यादा चांसेस हैं, गवर्नमेंट तो लग का है, क्योंकि आई थिंक मुझे जहाँ तक याद है मॉर्निंग का लगभग 80 सीटें एससी वालों की, तो उसके अकॉर्डिंग देखिए ना, 80 में भी एक तिहाई भी लेंगे तो लगभग 240 से 300 तक मैं रैंक फिर भी मान लेता हूँ, ज़्यादा ज़्यादा 600 इनकी टच में, तो थोड़ा सा आप फाइट करना पड़ सकता है, ठीक है सर। जी बोलिए। नेक्स्ट स्पीकर। नहीं सभी पहले प्रेफरेंस गवर्नमेंट को देंगे, सभी बच्चे जितने सुन रहे हैं वो भी पहले प्रेफरेंस सभी गवर्नमेंट को दीजिएगा, सेकेंड ही आपकी प्राइवेट रहनी चाहिए। और प्राइवेट में जिस बच्चे का हो जाए एडमिशन, सीट को फ्रीज नहीं करना है, ये पर्सनल हमारा रिकमेंडेशन है, वैसे बोला जाता है कि आप जल्दी से सीटें भरें, वैसे यही है, ठीक है, लेकिन फ्रीज ना करिएगा ताकि आप अगले राउंड में हो, ताकि आपका अगर गवर्नमेंट में आ जाते तो प्राइवेट को छोड़कर आप गवर्नमेंट में चले जाएँ, ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं। नेक्स्ट स्पीकर बोलिए। पाँच जुलाई को। नेक्स्ट सर, अगर ओबीसी कैटेगरी से वेटेज 1100 बन रही है और रैंक 4000 आई है, प्राइवेट में ज़्यादा चांसेस होंगे फिर। अनुष्का का हो गया, अनुष्का शर्मा। नहीं बहुत कम है सर, मुझे ये बताइए सर, मेरी वेटेज है 841 ओबीसी रैंक है 224, गवर्नमेंट मिल जाएगा? हाँ आपका डबल वो है ना, आपका माइनॉरिटी भी होगा तो चांसेस बन सकते हैं, लेकिन प्राइवेट में ज़्यादा बनेंगे। ओबीसी का भी
उसमें चांसेस हैं आपके, मैंने बताया ना चांसेस हैं। आपका थर्ड फोर्थ तक ही आएगा, अदरवाइज वेटिंग लिस्ट में भी आ सकता है। और जिसका पहली लिस्ट में आएगा सभी ध्यान देंगे, पहली लिस्ट में नाम आ जाता है चाहे प्राइवेट में आए गवर्नमेंट में आए, एडमिशन लेना भी होता है एज पर प्रीवियस। आगे क्या होगा वो 5 तारीख को मैं और गाइड कर दूंगा आप सभी को। DPSC मोस्टली बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं सभी में। DPSC में ये UKG LKG वाले होते हैं, ये पढ़ाने हार्ड वर्क कर सकते हो तो आप सभी जाएं DPSC के लिए, अदरवाइज DLED इज़ द बेस्ट। नेक्स्ट, गुड इवनिंग। हेलो सर। जी बोलिए। हाँ गवर्नमेंट में चांस आपके बन जाएंगे लेकिन प्राइवेट में ज़्यादा रहेंगे। देखो गवर्नमेंट का मैं क्यों कह रहा हूँ, सभी से एक तरह से देखा जाए तो कॉमन सा सवाल भी बन रहा है, क्योंकि यहाँ पर एडमिशन स्कीप या उसकी वजह से कम होते हैं क्योंकि सीटें कम, और प्राइवेट में 1900 लगभग सीटें हैं, ठीक है, तो 1900 सीटें। जी बोलिए। जो 1900 सीटें हैं तो 1900 सीटों पर बच्चे तो एडमिशन सभी का आएगा, देखिएगा एडमिशन ज़्यादा रैंक वालों का, लेकिन सबसे ज़्यादा जो है ना फाइनेंशियल क्राइसिस जो है इंडिया में ऑलरेडी है ही है भाई। मैं ये कहूँगा आप सभी अपने आप को भले ही एवरेज बोलें लेकिन मैं बोलूँगा आप सभी लोअर कैटेगरी से हैं, ठीक है। हाँ जो एवरेज कैटेगरी में आएगा वो गवर्नमेंट सर्वेंट जो है वो है, ठीक है, मैं उसको रखता हूँ। तो जी मेरी फ्रेंड है सर, वो भी ओबीसी कैटेगरी की है। हाँ। उसका डीपीएससी में कोड है 1067 और वेटेज है उसका 252 है। तो उसका गवर्नमेंट हो सकता है या प्राइवेट? डीपीएससी का मैंने प्रोस्पेक्टस देखा नहीं है, प्राइवेट ही है डीपीएससी, इसमें कोई पूछने वाली बात है ही नहीं, सिर्फ गर्ल्स कर सकती हैं डीपीएससी को और मोस्टली इंस्टीट्यूट जो है वो सेल्फ फाइनेंशियल है। दो पेपर सबके लिए पेपर एक ही हुआ था, किसी का अलग नहीं हुआ है, सिर्फ रैंक के लिए रिजल्ट दो करें आपके, ठीक है, पेपर सेम डे हुआ है 17 जून को। नहीं कम है, अब सोच लीजिए 300 लगभग सीटें हैं, तो 300 पे अगर इनकी मैं 4 का भी अगर हम लगाते हैं 1/4 तो भी लगभग 1200 प्लस तक के बच्चे उठा सकते हैं, वो तो लक वाला साथ है, सीटें खाली रहती हैं तो मिल जाएगा। नेक्स्ट साक्षी। जी बोलिए। हाँ प्राइवेट में ही चांस है आपका। नेक्स्ट। हाँ प्राइवेट में ही ज़्यादा चांस है, और अगर इस बार कट ऑफ कम भी जा सकती है क्योंकि सभी के लिए ये भाई कॉमन क्वेश्चन है वैसे, क्योंकि पेपर थोड़ा सा एज कंपैरिजन 2022 की तुलना में थोड़ा सा मुश्किल था इस बार का पेपर, प्राइवेट में ज़्यादा चांसेस हैं आपके। नेक्स्ट स्नेहलता। अनुष्का। पूछ लिया। ओके okay.
चलिए, तो ऑलमोस्ट सभी के डाउट्स थे वो क्लियर हो चुके हैं। सर मेरा एक क्वेश्चन है। जी बताइए क्या क्वेश्चन है। सर मेरी रैंक है 11,463, तो मेरा प्राइवेट में होगा या गवर्नमेंट? गवर्नमेंट में तो आपके चांसेस 10% ही बोलूँगा, डिपेंड करेगा कट ऑफ पर। रैंक 10,000 क्रॉस कर रही है तो प्राइवेट में ही आ सकता है बस। तो सर जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट आएगी तो उसमें नाम आ सकता है प्राइवेट के लिए? नहीं, फर्स्ट में तो मुश्किल ही आएगा। और सेकंड थर्ड में? सेकंड थर्ड में देखना पड़ेगा, फर्स्ट लिस्ट में कितने तक उठाया उसके बाद ही प्रेडिक्शन किया जा सकता है। पहली लिस्ट आने के बाद और चीज़ें क्लियर हो जाएगी, आपको खुद पता लग जाएगा यार इतनी रैंक वाले, सभी के लिए बता रहा हूँ कि इतनी रैंक वालों को उठाया गया है तो कितने चांसेस बन जाएंगे। ठीक है, वहाँ से ज़्यादा चीज़ें और क्लियर हो जाती हैं। एट हंड्रेड तक चांसेस हैं आपके? हाँ 841 है तो चांसेस हैं आपके पक्का, इसलिए नहीं है ना, खुद जिस भी कैटेगरी से हो उस कैटेगरी को देखो। आप ओबीसी से, ओबीसी की सीट तो देखिए आप कितनी है, तो बस उसी का आप 2 से 3 तिहाई भी ले लेंगे तो भी। चलिए तो इतनी भी मान लेते हैं, 150 भी मान लीजिए, 150 को करेंगे तो 450 तक का मैं एवरेज लेके चलता हूँ। अब आपकी यहाँ पर है और मैं आपसे कह दूँ हाँ हो सकता है, हो इसलिए सकता है कि 150 बच्चे अगर ये एडमिशन नहीं लेंगे तो पहले 300 वाले उठा लेंगे, 300 वाले भी नहीं लेंगे तो 450 रैंक वाले आएंगे, 450 वाले में से भी नहीं लिया जाएगा तो भाई 450 से 600 को भी उठा सकते हैं, ये प्रोसीजर हो सकता है एक। ठीक है, किसमें रैंक है आपकी? 132 समझा नहीं मैं। तो कैसे हो सकता है, मुझे तो लग नहीं रहे। 132 का दोगुना कितना होता है ये बताओ पहले, 264। और आपकी रैंक कितनी है? 224। जवाब मिल जाना चाहिए बस। क्या है अरे संभावित बता रहा हूँ मैं, समझ नहीं आया स्किप करो, जो समझा सकता है वो समझाएगा। हाँ जी नेक्स्ट स्पीकर बोलिए। जी मानसी जी बोलो। हाँ चांसेस हैं आपके, क्योंकि लगभग 465 सीट हैं तो चांसेस हैं, श्योर नहीं है गवर्नमेंट में। डीपीएससी सारे प्राइवेट हैं, हो ही जाएगा उसका मत पूछो तो ज़्यादा बढ़िया है। हाँ तो हो ही जाएगा, नहीं प्राइवेट है। कौन इशू इशू का सवाल था? थ्री थ्री एट है रैंक, सिक्स थ्री फाइव एस सी से। डिपेंड करेगा कट ऑफ पर, प्राइवेट में ज़्यादा चांसेस बनेंगे, रिजर्वेशन है तो हो भी सकता है आपका। हेलो बढ़िया भाई, आपने सुना क्या हुआ? हाँ न्यू रूल आ चुका है, हो सकती है, एक मिनट सभी होल्ड पर रहेंगे।
ओके ब्रो। हाँ जी, आप बता रहे हो आपका, देखिए गवर्नमेंट में लक वाला है, क्योंकि आई थिंक 60 से 70 के बीच में सीट है एससी वालों की गवर्नमेंट में, लेकिन हो सकता है आपका। हाँ, प्राइवेट में ज़्यादा चांस है। जी नेक्स्ट, रोहित सिंह टाइम कैसे देखे? बताया तो था आफ्टरनून में, जैसे डीएलएड की देखनी है वैसी उसकी देखनी है। अच्छा सर, मैंने कभी ट्राई किया था पर वो लिंक हाँ करने पे वो क्लियर करेगा तो नेक्स्ट सेमेस्टर में देना है फिर। हाँ, स्किप करके अगले में दे सकते हैं ना, जैसे फेल हो जाते हैं तो सेकंड ईयर में देते हैं। लेकिन ये पूरा प्रेडिक्शन पता नहीं है ना फ्यूचर का यार, कुछ कहा नहीं जा सकता क्लियर करते हैं तो क्योंकि सेमेस्टर तो ऑलमोस्ट साथ ही होता है, तो कुछ कहा नहीं जा सकता, ये कह रहा हूँ मैं बता तो रहा हूँ। कभी कभी अपडेट, अभी जैसे एमए के थे तो कुछ बच्चों के क्लियर कर गए थे, तो ये डिपेंड करता है, अब कभी नहीं भी करते हैं। ठीक, ओके ओके। हाँ जी बोलिए। दोनों भर दो, गवर्नमेंट प्राइवेट। हाँ भाई, गवर्नमेंट को सबने ही देनी है, सारे सभी साथी ध्यान से सुन लेंगे। हाँ जी बोलिए, नेक्स्ट स्पीकर जो भी है, जिनका सवाल होता जाए वो मीटिंग को छोड़ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। जी बोलिए बोलिए आप। तो सवाल क्या है? ये लिस्ट पर डिपेंड करेगा कितनी कट ऑफ। आपकी आवाज थोड़ी सी कटी थी, रैंक एक बार बताओ फिर देख लेते हैं। अच्छा, जनरल कैटेगरी से हो, गवर्नमेंट में बहुत कम चांसेस हैं, प्राइवेट में ज़्यादा, प्राइवेट में ही चांसेस हैं। नहीं, दोनों को दीजिए आप, गवर्नमेंट को भी दो प्राइवेट को भी, जिसमें आ जाए वो बैल एंड गुड है। रोहित, रोहित कुमार, रोहित जी सवाल पूछिए। सर मेरी रैंक 22704। हाँ सर, मेरी रैंक 2740 आई थी और वेटेज आई थी 1213 आई थी सर, मेरी वेटेज। सर मेरा गवर्नमेंट कॉलेज में हो सकता है? जनरल से हो, कम चांसेस है क्योंकि लगभग 500-465 समथिंग सीट हैं और आपकी रैंक 1200 है, तो अगर हुआ तो लेट लिस्ट तक हो सकता है, प्राइवेट में ही ज़्यादा चांस बनेंगे। ठीक है, देखो भाई मैं सबके लिए एक बार कंक्लूज कर देता हूँ। अब मान लीजिए आपकी ऑफिशियल प्रोस्पेक्टस के बाद सबसे पहले समझना ये है, दिल्ली गवर्नमेंट डाइट में 1040 सीट हैं, 1040 सीटें में से भी डिवाइड कर देना, ओबीसी वाले होंगे, एससी वाले होंगे, जनरल वाले होंगे, कुछ इन सर्विस टीचर होते हैं उनके बच्चे भी लिए जाते हैं, कुछ एससीआरटी और डाइट में वर्किंग है वो भी कराना चाहते हैं तो उनके लिए भी है, लेकिन इनको मैं हटा देता हूँ, सबसे मोटे मोटे पर आते हैं। तो अगर हम जनरल की बात करें तो जनरल में है 465 सीटें। अब खुद सोचिए कि जनरल में किसी बच्चे की, आप सभी जानते हैं 465 रैंक आई होगी, आप सब बोलेंगे हाँ सर ऑब्वियसली आई होगी जब हमारी इतनी है। तो अगर ये मान लीजिए ये 465 के 65 बच्चे अगर एग्री हो जाते हैं एडमिशन लेने पे, तो
तो इनको एडमिशन मिलेगा या नहीं मिलेगा? आप बोलोगे सर पहले तो इन्हीं को मिलेगा, हमारा तो नंबर बाद में। तो देखिए सबसे पहले ये समझ लेना 465 ही है, लेकिन इनमें से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो ये बोलेंगे 465 में से, जनरल वालों को समझा रहा हूँ, उसके बाद सब अपनी अपनी देख सकते हो, ओबीसी वाले उस पर अप्लाई कर सकते हैं सभी। मान लीजिए जैसे 465 है, तो उन्होंने अब क्या है 465 जनरल के बच्चे होंगे, अब 465 सीटें हैं वो नौ गवर्नमेंट डाइट में। किसी में देखा जाए जैसे फॉर एग्जांपल के लिए हम मान लेते हैं 100 सीटें हैं एक में, तो 85 में से निकाल लेते हैं, ठीक है, तो लगभग मान लेते हैं 30 से 40 सीटें इनकी मिलेगी। अब कोई बच्चा ये कहता है कि मेरे को जो है डाइट राजेंद्र नगर ही में ही एडमिशन लेना है, क्योंकि उसके पेरेंट्स ये कहते हैं हम भाई तुझे घूमन हेरा भेजेंगे भेजना ही नहीं चाहते। तो अब खुद सोचना ये बच्चा DLED डाइट में एडमिशन नहीं लेगा, तो फिर जो 465 के बाद जो 466 में वाला होगा उस बच्चे को ऐड ऑन कर लिया जाएगा, तो एडमिशन उसका आगे बढ़ जाएगा, ऐसी रैंक बढ़ेगी। और अगर उसने बोला कि अब मेरा किसी में भी आ जाए मैं सीट नहीं छोड़ूंगा, तो 465 के बाद आप खुद ही सोच लीजिए कि प्राइवेट में ही आपके चांस बनेंगे, फिर प्राइवेट में हर कोई बच्चा एडमिशन नहीं ले पाता है। तो मैं कुल मिलाकर आपको यही चीज़ जो है समझाना चाहता हूँ, तो मोस्टली साथियों को ये चीज़ जो है मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ यही है। इसलिए आप सभी एक जनरल से ही कैटेगरी से ही निकाल लीजिए कि 465 है, ये भी मैं किसकी बता रहा हूँ 85% सीटों पे, क्योंकि एडमिशन जो होते हैं दिल्ली डाइट में वो दो वेज पर हैं, एक 15% सीट है, एक 85% सीट है। बहुत पुरानी वीडियोज़ भी मैंने बनाई हुई हैं, बार बार रिपीट यही बात हो रही है, 85% सीट जो है वो दिल्ली के बच्चों के लिए है। तो इसमें 465 सीट हैं आपकी, और ये 15% जो है ये अदर स्टेट के हैं। कोई देखो हरियाणा स्टेट से भी बच्चे अप्लाई करते हैं दिल्ली में, यूपी के बच्चे भी करते हैं, राजस्थान के भी करते हैं, ठीक है, हर कैटेगरी में करते हैं। मीना ज़्यादातर देखोगे राजस्थान के मिलेंगे भाई, ठीक है। तो अब मान लीजिए ये बच्चे करेंगे तो इनका पहले एडमिशन होगा 15% पे, तो आप ये मान के चलिए लगभग आपकी 800 कुछ सीटें हैं, ठीक है, 850 समथिंग सीटें हैं आपकी ओवरऑल दिल्ली गवर्नमेंट डाइट में, 1040 सीटें हैं। तो अगर हम बात करें कि 15 सीटें, तो लगभग जो मुझे एक्चुअल डेटा याद नहीं है 15% अदर स्टेट का, तो मान लीजिए कि अगर इनकी 20 से 30 सीटें हैं तो जनरल वाले 20 से 30 यहाँ पर लेंगे, और 20 से 30 में भी अब कोई बच्चा यहाँ पर अदर स्टेट का ये बोलेगा भाई मैं नहीं ले सकता, पापा वहाँ पर फाइनेंशियल नहीं हो पा रहा, सेटल नहीं हो पा रहा, 2 साल कैसे कटेंगे, तो बहुत से बच्चे नहीं एडमिशन लेंगे, तो फिर उसके बाद और ज़्यादा रैंक वाला ले लिया जाएगा। अब मान लीजिए कोई नहीं भी ले रहा, तो फिर ये 15% सीट बचेंगी, या इसमें इन सर्विस टीचर का कोई बच्चा नहीं लेता, या डाइट में खुद जो टीचर पढ़ाते हैं या SCERT में कोई जॉब कर रहा है अगर वो भी नहीं लेते, तो उनकी सीट को भी आपको दे दिया जाता है। और इसके लिए स्पोर्ट राउंड काउंसलिंग होती है आपकी, ठीक है, एंड में अगर सीटें खाली रह जाती हैं तो स्पोर्ट राउंड में भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। लेकिन ये मैं एक्चुअल पहले की अकॉर्डिंग कह रहा हूँ, लेकिन मुझे जहाँ तक याद है मैंने प्रोस्पेक्टस देखा है कि उसमें इस बार भी जो है स्पोर्ट राउंड है, ठीक है, तो आप सभी स्पोर्ट राउंड में भी पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो ये चीज़ें आपको समझ जानी है, इसीलिए मैंने हर बच्चे के लिए ये बोला है कि भाई अगर आपकी 465 है और आप जनरल कैटेगरी से हो तो आप इसका भाई 1-2 गुना फालतू ले लीजिए। तो इसीलिए मैंने बोला हुआ है कि भाई लगभग 1200 से 1500 आप अपनी रैंक को लेकर चलिए कि आपका हो सकता है, 100% नहीं है, ये चीज़ मैंने समझाने की कोशिश करी है, उसके बाद होगा। क्योंकि पिछली बार भी मुझे जहाँ तक याद है जो आइडियाज़ थे 1500 तक के कुछ बच्चों के पिछली बार भी हुए थे एडमिशन, ठीक है, ये है। और किसी का सवाल हो तो पूछा, नहीं तो अदरवाइज फिनिश करते हैं, ऑलरेडी यहाँ पर आधा घंटे से ज़्यादा हो गया। रोहित का ये हैंड रेज है, जी रोहित बोलिए। देखो वेटेज में कुछ नहीं है, एक होता है हमारा रॉ स्कोर और एक होता है फाइनल, तो आप फाइनल स्कोर को देख लीजिए, एक रॉ स्कोर है, बस इतना सही है। वेटेज में आपको वेटेज दे दी गई है क्योंकि 2 से 3 शिफ्ट में था, किसी का पेपर लो होगा हाई होगा उस बेसिस पर बनाया हुआ है, क्लेरिफाई नहीं किया हुआ है ये ना प्रोस्पेक्टस में ना ऑफिशियल वेबसाइट पे। मैं अपने पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से मेरा जो आइडिया वो बताया आपको। सर ये जो ओबीसी की रेंट है जी, सर ये कितने तक है जो एडमिशन हो सकते हैं गवर्नमेंट कॉलेज में?
अभी यही चीज़ तो समझा रहा था। अब मान लीजिए लगभग 165 से 200 सीटें हैं आपकी, तो आप ये मान के चलिए कि 600 से 700 तक आप रेंज लेकर चलिए, आपका हो सकता है। डन, सभी को होपफुल। हाँ जी, यही तो समझाया था मैंने अभी, जनरल का 465 है तो इसका एक 2 से 3 गुना लेके चल लीजिए, तो 1500 हम रख लेते हैं, 1500 से 2000, 465 सीट है, 85% इस पर बता रहा हूँ मैं, और 500 भी ओवरऑल ले लेते हैं, फिर भी 2 से 2500 मैंने मॉर्निंग में भी आपको बताया था, बस 100% नहीं है ज़्यादा रैंक वालों का। संबल वांट टू ज्वाइन दिस सेल, अच्छा चलिए, बाकी तो सभी साथी आते रहेंगे, हमने ऑलमोस्ट सभी डाउट्स आपके ले लिए, तो व्हाट्सएप पर जिनको रिप्लाई नहीं मिल पाया था वो इसलिए यहाँ पर ये मीटिंग रखी थी, कल फिर भी वॉइस की रिकॉर्डिंग की वो करी थी हमने कोशिश। चलिए मिलते हैं अब आपसे, बीच बीच में अपडेट आते रहेंगे, 5 जुलाई के आसपास सभी जाकर अपने डैशबोर्ड में जाकर एक बार क्या करेंगे, अपनी जो इंस्टीट्यूट चॉइस फिल किए हैं आपने उनको एक बार क्रॉस चेक कर लेना है आपको, ठीक है, क्रॉस चेक, क्योंकि 2 जुलाई तक का है, उसके बाद शेड्यूल के अकॉर्डिंग नहीं बताया हुआ कि आप चेंजेस कर सकते हो कुछ भी। चलिए फिर भी जाते जाते ये है भाई, जिसको भी बताया ये प्रिडिक्शन है, और प्रिडिक्शन आपकी सही भी हो सकती है गलत भी हो सकती है, दोनों ही चीज़ें, क्योंकि जो फ्यूचर में होने वाला है अगर शायद मुझे पता होता तो फिर मैं आपको ना कर पता नहीं भगवान ही बना हुआ होता, तो सब डिपेंड होता है गॉड पर, ठीक है, भगवान सबसे बढ़िया, जिसके साथ करते हैं वो अच्छा ही करते हैं, ठीक है, जिसकी रैंक कम आई है वो उसकी काबिलियत थी, जिसकी ज़्यादा आई है वो उसकी काबिलियत थी, तो घबराने की दिक्कत नहीं है, जैसी हमारे अंदर क्या है कैपेबिलिटी होती है उतना ही हमें मिलता है। चलिए थैंक यू सो मच, बोलिए बोलिए सर, जैसे मेरी 2282 रैंक आई है, मतलब जर्नल के मतलब बहुत सारे बेटर चाहिए, मतलब मैंने गवर्नमेंट टाइल्स डाले तो उसको हटा दूं मैं, फिर प्राइवेट डालूं? आप ऐड ऑन कर सकते हैं, ये आप अपने डैशबोर्ड में जाकर चेक करिए हो सकता है या नहीं हो सकता, ठीक है, 2 जुलाई तक का समय है आपके पास, और किसी नहीं गवर्नमेंट भी रहने दीजिए और ऐड ऑन कर लीजिए, ठीक है, और किसी का कोई डाउट हो तो जाते जाते पूछ लीजिए प्लीज़। चलिए अब किसी का नहीं है, थैंक यू सो मच।